नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिजिटल उपाध्याय। कोरोना काल में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा कि आखिर दिल्ली को क्या बनाने की साजिश रची जा रही थी। ये खुलासा जुड़ा हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों से। जी हां, जिस केजरीवाल के विधायक अमानतुल्ला खान को मुसलमानों की एक बड़ी वोट बैंक की खान माना जाता है, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दिल्ली में जो किया वो होश उड़ाने वाला है। जिन घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास में लगी हुई है, उन्हें अमानतुल्ला खान जैसे लोग पनाह देने में लगे हुए हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान लगातार पूरे देश में पैर पसारते जा रहे हैं। अब दिल्ली में एक बड़े इलाके पर उनका कब्जा है। मदनपुर खादर में इन रोहिंग्या मुसलमानों ने 5.2 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा रखा है। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे अमानतुल्ला खान ने अपने लेटर हेड के जरिए इन सभी का आधार कार्ड बनवाया और उन्हें यहां बसाया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली की मदनपुर खादर शमशान घाट के सामने अवैध रूप से रह रहे हैं और साथ ही सारी सरकारी सुविधाओं का भी फायदा उठा रहे हैं। ओखला के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान इस वक्त उनके सबसे बड़े मददगार हैं, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को राशन पानी से लेकर अन्य मदद मुहैया कराने के लिए दिन रात एक ही हुई है। यहां तक कि लॉकडाउन में इन लोगों को बकायदा दिल्ली सरकार और ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान की ओर से भरपूर राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सीएम केजरीवाल राशन पानी मुहैया नहीं करा रहे हैं, इसीलिए वो दिल्ली छोड़कर अपने घरों की ओर पैदल ही निकल पड़ रहे हैं। तो भाई, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और अमानतुल्ला खान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। खबर के मुताबिक रोहिंग्या यहाँ कोई भी काम वैध तरीके से नहीं करते, यहाँ तक कि लाइट भी चोरी की यूज की जाती है जिससे विद्युत विभाग को चपत लगती है। पीने के पानी के लिए अवैध बोरिंग की व्यवस्था की गई है। स्थिति यह है कि जहाँ अवैध रूप से रह रहे ये रोहिंग्या मुसलमान मजे में हैं, आसपास के क्षेत्रों में झुग्गियों में रह रहे मजदूर राशन पानी को तरस रहे हैं और उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। बता दें कि खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और इन्हें सरकार देश से बाहर करना चाहती है। आए दिन कई आपराधिक वारदातों में भी इनकी संलिप्तता सामने आती रहती है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के साथ भी रोहिंग्या मुसलमानों की मिलीभगत है। एक रिपोर्ट की माने तो कालिंदी कुंज थाना रोहिंग्या मुसलमानों के इसमें गांजा और अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश नहीं लगा रहा है। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि उसने कई बार यहाँ के अवैध बस्ती को हटाने के लिए गुहार लगाई है। 5.2 एकड़ की इस जमीन का खसरा नंबर 612 है और इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों बताई जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से यह राशन पानी वितरित करना और रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने के पीछे ये निहार्थ भी निकाला जा सकता है कि इन्हें दिल्ली की सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और अधिकतर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सारी बसावट आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की देन है। ये सारे रोहिंग्या मुसलमान पहले कंचन कुंज में एक जमीन पर रह रहे थे। स्थानीय लोगों की माने तो 300 रोहिंग्या मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से अमानतुल्ला खान ने एक साजिश के तहत यहाँ बसाया हुआ है। इससे पहले कपिल मिश्रा भी दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्या प्रेमी बता चुके हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या मुसलमान देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से फंसे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली शामिल है। अब सवाल यह है कि अमानतुल्ला खान और दिल्ली सरकार इन्हें सभी सरकारी सुविधाएं देकर क्या करना चाहती है? क्या वोट बैंक के लिए राजधानी दिल्ली को रोहिंग्या मुसलमानों के खतरे में डाला जा रहा है? क्या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सीए और एनआरसी के धरने इन घुसपैठियों को बचाने के लिए एक बड़ी साजिश थे? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।